18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान का नाम सुनते ही विपक्ष के नेताओं के पैर कांपने लगता है। सर्किल स्ट्राइक से इनकी रातों की नींद गायब हो गई। देश में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो इस तरह की ताकतों को जड़ से उखाड़ फेंकने को लिए प्रतिबंधित हो। भारत को जहां से भी खतरा होगा हम घर में घुसकर मारेंगे। एनडीए की नीति स्पष्ट है। महामिलावट वाले लोग देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए क्या नीति है यह नहीं बताते। उन्हें आपकी सुरक्षा की चिंता नहीं है। वे आतंकवाद पर कुछ नहीं कह सकते। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं नीतीश कुमार को सुन रहा था। जिस प्रकार से माताओं और बहनों ने उनकी बात का स्वागत किया यह बिहार में ही दिख सकता है। यह धरती लीची और आम जैसी मिठास में बोलने वाली है। यहाँ जिस तरह के जनसैलाब उमड़ा है यह कई लोगों के मुंह में कड़वाहट पैदा करने वाला है। चार चरणों के चुनाव के बाद यह लोग चारों खाने चित हो चुके हैं। अब अगले चरण में तय होगा कि इनकी हार कितनी बड़ी होगी और एनडीए की जीत कितनी भव्य होगी। विपक्ष का नेता बनने के लिए लड़ रहे चुनाव नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि स्वार्थ और अपने हित के लिए समर्पित इन महामिलावट करने वालों की मनसा को समझना जरूरी है। ये इतनी सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं कि लोकसभा में नेता विपक्ष पद हासिल कर पाए। नेता विपक्ष के लिए नियम है लोकसभा की 10% सीट जीतनी पड़ेगी। 2014 में देश की जनता ने कांग्रेस को नेता विपक्ष बनाने लायक सीट नहीं दी थी। इन दिनों इनके बीच नेता विपक्ष बनने की लड़ाई चल रही थी। कांग्रेस वाले सोचते हैं कि हम 5 साल नेता विपक्ष नहीं बन पाए तो कोई और नहीं बनना चाहिए। वे एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। जिनकी नसीब में विपक्ष का नेता बनने का नहीं लिखा है वह प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। पूरी सभा में गूंजता रहा यह लहर नहीं ललकार है फिर एक बार मोदी सरकार। इस चुनाव सभा को सीएम नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा, कृषि मंत्री प्रेम कुमार, डॉक्टर सीपी ठाकुर व अन्य कई दिग्गजों ने संबोधित किया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में खूब तारीफ की व लोगों से अपील किया कि पुनः केंद्र में मोदी सरकार बनाए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पहले करें मतदान फिर करें जलपान। विजय संकल्प रैली को लेकर जिला के पताही हवाई अड्डा मैदान व उसके आसपास जिला प्रशासन के द्वारा चुस्त दुरुस्त व बेहतर विधि व्यवस्था देखने को मिली। हर जगह पुलिस की मौजूदगी नजर आई। जल ही एक ईमानदार और मजबूत सरकार बनेगी। मजबूत सरकार तभी बनेगी जब यहां के सभी मेरे साथी मुजफ्फरपुर के लोग, कमल छाप पर, वैशाली के लोग, बंगला छाप पर और सीतामढ़ी के लोग तीन छाप पर वोट डालेंगे। हम तीन मन हैं। आप कमल छाप को वोट डालोगे कहां जाएगा? मोदी के खाते में। प्राइवेट न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से रुपेश कुमार की रिपोर्ट।